नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात करी थी कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इस पर चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं, जो आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते आपको हमारे वीडियो को और हमारे वीडियो सीरीज़ को एक बार देखिएगा जरूर। हमारे वीडियोस को समझने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखने पड़ेंगे। इंडिविजुअल वीडियो नहीं है, कनेक्शन है, क्योंकि हमारे एक गुरु जी थे, उन्होंने मुझसे ये बताया था कि बेटा केमिस्ट्री लिंकिंग का विषय है, जब आप हमारे साथ सही से जुड़ जाएंगे मैं उनका नाम भी बताऊँगा, बहुत अच्छे हैं। MSc के दौरान उन्होंने बताया था कि जानते हुए हम पहले से थे, लेकिन उन्होंने कहा इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ लिंकिंग, अगर आपको पहला चैप्टर नहीं आता तो दूसरा नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा। मींस जो एक टीचर डाइस पे जाके बोलना शुरू कर देता है, आप ये मत समझिए इंडिविजुअल वीडियो बना रहा है वो, भाई साहब उसके सालों की मेहनत है, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है। तो दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियोस को वन बाय वन देखेंगे, A to Z देखेंगे, कंटेंट क्वालिटी आपको मिलेगी, कंटेंट क्वालिटी की मैं गारंटी देता हूँ, आपको हमारे वीडियोस के अंदर का कंटेंट पसंद आएगा। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और होने वाला नहीं है दोस्तों, बशर्ते बने रहिएगा, वादा कीजिए। थैंक यू। आइए, सो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग क्योंकि नई बनने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब सवाल आता है, पहले इससे पहले बॉन्ड टूटेगा भी तो क्यों बॉन्ड ब्रेकिंग होगी? क्यों होगी भाई बॉन्ड ब्रेकिंग? बेटा इसलिए होगी क्योंकि कोई भी एग्जिस्टेंस जो हमारे आसपास है वो या तो मॉलिकुलर स्टेट होगा या स्टेबल स्टेट होगा। क्यों? अनस्टेबिलिटी किसी को पसंद नहीं है, आपको नहीं पसंद, हमको नहीं पसंद, सिस्टम को नहीं पसंद, किसी को भी अनस्टेबिलिटी नहीं पसंद, अनस्टेबिलिटी तो पसंद ही नहीं किसी को। एवरीथिंग वॉन्ट्स टू बी स्टेबल, चाहे हम हों चाहे कोई भी हो। मटेरियल आप अपने घर में रख दीजिए, कोई जिस पोजीशन में उसे स्टेबल रहना है उसी पोजीशन में आ जाएगा, वो अपने आप से आ जाएगा, नेचुरल साइंस है ये। जो पौधा जिस रूप में स्टेबल होता है उसकी जड़ें वैसी ही होती हैं। आप किसी भी पौधे को उखाड़ के देखिएगा दोस्तों, किसी भी, उसकी जड़ों में जाइएगा, उसके रूट लेवल पर जाइएगा, आपको पता चल जाएगा जो जितना ज़्यादा बड़ा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी ज़्यादा गहरी होती हैं। तो आप अपने नींव को मजबूत करिए, आप अपने बेसिक्स पे फोकस करिए। छिछला ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, आप नॉलेज को अपडेट करिए, बेशक एंटरटेन करिए, बहुत मज़े के साथ पढ़िए, लेकिन मज़े के साथ साथ आप सीरियसली भी पढ़िए। और सीरियसली पढ़ने के लिए मैं नहीं कहता सिर्फ मेरे को पढ़िए, बुक्स ज़रूर पढ़िए, सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, अकेले में बैठ के मेरे बात सुनिए, मेरी बात सुनने के बाद आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, आपको मेरे अंदर भरोसा तब आएगा कि जो बोलूँ आप किताब जाके पढ़ लेना एक बार, जब किताब आपको समझ आए तब आप कहना कि हाँ सर सही कह रहे थे, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर कर। आइए, तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग का सेंस क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूलर स्टेट जो होती है, मॉलिक्यूलर स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबल होती है भाई साहब। अब स्टेबल बताओ बेटा, जो मॉलिक्यूलर स्टेट है जब स्टेबल है, अब वो रिएक्शन क्यों करेगा? इसका मतलब किसी भी स्टेबल स्टेट को रिएक्शन करने के लिए पहले उसे रिएक्टिव बनना पड़ेगा, आप रिएक्टिव होना होगा,
अब रिएक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कोई किसी के साथ बॉन्ड है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी निजी लाइफ में आ जाते हैं, आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है, आप किसी तीसरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आप वो क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, उस पर नहीं करेगा, आप पे करेगा, आपको वहाँ भी इंटरटेन लगने लगता है, आपके साथ खटपट रहती है, क्यों करता है, क्या है, कैसे होता है, कैसे भाई पीछे वाला आके अटैक कर देता है, कैसे किसी कहीं और से आप कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे जिसके साथ आप कनेक्ट होते हैं उसके साथ अनबन हो जाती है। अनबन मीन्स, ये मैं किसी दूसरा सेंस नहीं ले रहा, बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे ऐसा हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पुरानी टूटेगी नई बनेगी, नई बॉन्ड का फॉर्मेशन, पुरानी बॉन्ड का ब्रेकिंग रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक रूल है। अब बॉन्ड टूटने से होगा क्या, तो इसी को बेटा हम कहते हैं, इसके दो तरीके हैं हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग के। एक हमारे पास है होमोलिसिस, पूछा जाता है कई बार, अब जब पैटर्न चेंज हुआ तब की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बिफोर गोइंग टू बी द मैकेनिज्म, बिफोर गोइंग टू बी डिस्कस द मैकेनिज्म, वी हैव टू कंसिडर व्हाट इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड हाउ द बॉन्ड ब्रेक, और बॉन्ड ब्रेकिंग इसलिए क्योंकि बॉन्ड बनी थी स्टेबल होने के लिए, अब बॉन्ड टूटेगी इसलिए क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाए और अनस्टेबल होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए रिएक्टिव स्पीसीज बन जाए, यही कंडीशन है। सो होमोलिसिस एक टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग है, होमोलिसिस इज द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। अब इसको समझने के लिए, होमोलिसिस, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब लिसिस का मीनिंग है कुछ, होमो का मीनिंग है कुछ, सो और कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे कि कोई एक बॉन्ड है बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया तो नहीं, लेकिन आप इतने भी नहीं हैं कि आपको आता नहीं होगा, अब फिर भी मैं समझता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी भी दो लोगों के बीच साझे से बनी हुई बॉन्ड, साझे से बना हुआ इंटरेक्शन, साझे से बना हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसके तहत दो एटम, दो स्पीसीज आपस में जुड़ी हुई हैं, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड में हो, कोई भी बॉन्ड हो, मिनिमम एक कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखिए, और ये कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होते ही हैं। आप दोनों साझे के हैं, साझे पे दोनों बराबर बराबर लोग हैं, दोनों एक तरफ है एक तरफ है, साझे का मतलब शेयरिंग, जितना शेयर मेरा इतना आपका, इतना शेयर इतना शेयर, दोनों शेयर बराबर, दैट इज़ बराबर शेयरिंग। सो जब दोनों लोग एक जैसे हैं, बॉन्डिंग में हम आपको सिखाएंगे, दो समान लोगों के बीच अच्छी बॉन्ड बनती है, दो अच्छे लोगों के बीच अच्छा केमिस्ट्री चलता है। अब इस पे भी चर्चा हम कभी करेंगे आपसे एक फर्दर वीडियो में, कि केमिस्ट्री का अपना रोल है, केमिस्ट्री की अपनी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़बरदस्त। मोदी जी केमिस्ट्री से चुनाव जीत गए, मोदी जी कहते थे, मैं समझ नहीं पाता था उस समय, मोदी जी अपनी मीटिंग्स में कहते थे, इस बार चुनाव मैथमेटिक्स का नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, ये चुनाव केमिस्ट्री का है। अरे भाई हम समझ नहीं पाते, आपको भी समझना होगा अगले वीडियो में। सो ए और ए दो एटम हैं बेटा, इनके बीच की बॉन्ड है, कैसे टूटती होगी, ये तो बॉन्ड ब्रेकिंग का एक तरीका नंबर एक निकालना है, तरीका नंबर एक है, दैट इज़ कॉल्ड होमोलिसिस। सो होमोलिसिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, या होमोलिसिस इज द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बाय विच वी कैन एक्सप्लेन, होमोलिसिस इज द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, एक एक मतलब दोनों एटम के बीच ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन अगर कहीं हम खींचें
इसका मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, सीधी खींच देते तो माइनस प्लस हो जाता, इसलिए आपको ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन हमने शो करी होती है। इसका मीनिंग होता है कि बॉन्ड ब्रेक हो रही है। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है साझे से बनी हुई बॉन्ड है और उस बॉन्ड को अब नहीं समझ आ रहा है, हम तोड़े दे रहे हैं। क्यों तोड़े दे रहे हैं? कोई कारण होगा। अब फिर समझने की ज़रूरत है, किन्हीं दो लोगों के बीच कोई संबंध में खटपट आती है तो किसी न किसी कारण से आती है। अकारण कभी कोई बॉन्ड टूटती नहीं है भाई साहब, अकारण कुछ भी नहीं होता। साइंस में विदाउट रीजन कुछ भी, नथिंग नथिंग इज़ गोइंग ऑन विदाउट एनी रीजन। सो हर एक कंसेप्ट के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर ये बॉन्ड टूट रही है तो क्यों टूट रही है? कोई तो है, कुछ तो नया करना है इसे। अगर इसको पॉजिटिविटी में दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए, अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रही है, ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो, लेकिन ये लाइफ है, चेंज इज़ द लाइफ, लॉ ऑफ नेचर जो भी है। सो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि आप अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं या आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है? हम घर बसा था, घर तोड़वा दे रहे हैं। तो टूट ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के रोज़ अपना घर ही गिराते रहिए, ठीक है। लेकिन यदि आपको कहीं बेटर ऑप्शन दिखता है, जो इंजीनियर बच्चे होते हैं, जो बच्चे एक कंपनी में जाते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, फिर तीसरी, अगर वो स्विच ना करें कभी, तो कभी उनको पर एनम जो उनका पैकेज होता है वो बढ़ेगा नहीं भाई साहब, नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि वो तो रिस्क नहीं ले रहे ना, और ऑनर क्या है, उसको लगता है ये तो हमारे सारे काम करेगा ही करेगा और जाएगा कहाँ। इसलिए जो ये जो ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग क्या करेगी? अनस्टेबल कर देगी। अभी ये स्टेबल मॉलिक्यूल था, अब इसको क्या होगा, जिस स्थिति में ये थे फिर से वहीं पहुंच जाते हैं, जिस स्थिति में ये थे ये फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अपना घर बसाए थे, दोनों एक साथ आए थे, शेयर करने के बाद इन्होंने अपनी तरक्की करी थी और उस तरक्की को तुड़वा दिया भाई, टूट गई वो घर, टूट गया। अब इस ब्रेकिंग को क्या कहा है इन्होंने, एक तरीका बनाया, होमोलिसिस कहा है। होमोलिसिस इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन इन विच बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू पेरेंट एटम। अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो साझे के जो शेयरिंग बॉन्ड बनी थी, साझे की जो बॉन्ड है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साझे के इलेक्ट्रॉन्स दो होंगे, बेशक होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक किसी और का था, एक किसी और का था, अपने अपने इलेक्ट्रॉन उन्होंने खींच लिए, फिर से अनस्टेबल हो गए। बात समझ आ गई? ये हमारे पास क्या बन गया, अनस्टेबल स्पीसीज बन गई। ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, और जो ये अनस्टेबल स्पीसीज बनी है भाई साहब, इसको कहते हैं, एक नया नाम है दोस्तों, नया नाम, मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप बने रहिए, आपको अच्छा लग रहा होगा। इसको ही हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। अब आपको और अच्छी बात लग गई, फ्री रेडिकल। अब शुरुआती बच्चों के लिए कॉन्सेप्चुअल बात, कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या जो फ्री रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। हिंदी में इसको मुक्त मूलक कहेंगे, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, दिस इज कॉल्ड मुक्त मूलक। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग भी इसको समझ लीजिएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग, इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगा, हैविंग स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। याद कर लीजिए, इससे बेहतर डेफिनेशन नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फ्री रेडिकल को डिफाइन करने का सबसे टॉप क्लास का डेफिनेशन मैंने आपको दिया, क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल।
ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पेसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पेसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, ऑल इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पेसीज आर कॉल्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पेसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। दोस्तों क्या ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पेसीज, ऑड मीन्स सिंगल, सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन, सिंगल मीन्स, अब फिर कन्फ्यूज मत होइएगा, जैसे सीएल है उसके पास सात हैं तो दो तीन तो पेयर हो गए, एक ही बचा ना, इसलिए उसको ऑड कहा, सात मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, और होने चाहिए थे आठ, वो अलग रूलिंग है, ऑक्टेट रूल है, अचीवमेंट कितना है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना होता है, और इनर्ट गैस के सबके आउटर मोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एट इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल माना, लेकिन एट नहीं है तो आठ करना होता है, क्यों करना होता है, साझा करता है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोई मेटालिक बॉन्ड बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, आप सब समझ रहा है, बहुत अच्छा सीखेंगे। लेकिन अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। जब हम फ्री रेडिकल को पढ़ेंगे फर्दर, फ्री रेडिकल को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, वो फ्री रेडिकल क्या है ये सीख गए, जिन मॉलिक्यूल्स में जिन ग्रुप, जैसे इसको डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव ऑड इलेक्ट्रॉन, वह एटम या एटम्स का समूह जिसके ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है जो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, आठ होगा तो सब पेयर्ड होंगे, आप समझते हैं, अगर किसी एटम के पास आठ इलेक्ट्रॉन है तो सब पेयर्ड होंगे, सारे के सारे मतलब जुटा में होंगे, डबल में होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या है, वो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन जहाँ कहीं भी होगा उसे हम फ्री रेडिकल कहेंगे। अब फ्री रेडिकल क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्यों, आठ नहीं है ना, अब आठ इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये हो गया अनस्टेबल। सो अनस्टेबल, और हमारा उद्देश्य क्या था कि स्टेबल को पहले हम किस में चेंज करें, हम थोड़ो करेंगे अनस्टेबल में, स्टेबल पहले अनस्टेबल होगा, और क्यों होगा, स्टेबल अनस्टेबल इसलिए होगा क्योंकि उसे रिएक्शन करनी है भाई, उसे रिएक्शन करनी है, इसलिए स्टेबल को पहले क्या करना पड़ेगा, अनस्टेबल होना है। आइए, हो गया अनस्टेबल, तो एक तरीका था होमोलिसिस का, होमोलिसिस के दौरान अनस्टेबल स्पीसीज बन जाती है, होमोलिसिस के दौरान अनस्टेबल स्पीसीज बन जाती है, और उस अनस्टेबल स्पीसीज को, उस अनस्टेबल स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या, What process is involved for the free radical formation? या आपसे पूछा जाए होमोलिसिस क्या है, तो बेटा एक लाइन के अंदर डिफाइन कर दीजिए, होमोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। फ्री रेडिकल बनने की, फ्री रेडिकल जिस प्रोसेस के तहत या जिस घटना के तहत फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है उसे होमोलिसिस कहते हैं, एक बात हो गई। या होमोलिसिस के दौरान, जब एक होमोलिसिस क्या है, एक बॉन्ड ब्रेकिंग है, उस बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है उसे होमोलिसिस कहते हैं। बात समझ गए कि जिस बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान, जिस बॉन्ड क्लीवेज के दौरान फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम दोस्तों, उसी को हम होमोलिसिस कहते हैं। होमो मीन्स सेम, दोनों स्पीसीज बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, बॉन्ड के इधर जो टूट गई बॉन्ड, जब तो दो स्पीसीज जो बनी वो सिमिलर स्पीसीज थी, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम होमोलिसिस है। अगली हेडिंग हेटरोलिसिस, अब आप समझ गए होंगे हेटरोलिसिस, हमारा नेचर होता है कि जब मैं एक बात सीख जाता हूँ तो अपोजिट में जल्दी सीख, मैंने हिंदी के अंदर जो हमारी या इंग्लिश के अंदर जो एंटोनिम्स था मुझे जल्दी आता था समझ में, क्यों, विलोम शब्द जल्दी समझ में आ जाता है,
उल्टा तो हम चल मतलब दिमाग हमारा नेगेटिविटी पे तो नेचुरल, जब जन्म से के बाद कोई भी चाइल्डहुड में आता है और सबसे पहले चप्पल पहनता तो उल्टा ही पहनता है, ठीक। कारण उसका क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर है, नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है। नेगेटिविटी, मेरी कमियाँ सबको दिख रही होंगी, अच्छाइयाँ बहुत कम लोगों को। ये नेगेटिव हमारे चलने की आदत होती है, हम दूसरे में कमियाँ ढूंढा करते हैं, सिर्फ कमियाँ ढूंढते हैं। अरे यार, हमें कमी से क्या लेना देना, कोई अच्छाई है वो ले लीजिए। मैंने आपको होमोलिसिस कितनी आसानी से बताया, आप वो ले लीजिए बस, आप बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आपका काम ही नहीं उनसे। आपको किसी भी व्यक्ति के अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी देखने की आदत होनी चाहिए, यह भी एक अच्छी बात है, यह संस्कार की बात है। आइए, हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस एक ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग है बेटा, या भी कोवेलेंट बॉन्ड है, टूट अभी भी वही रही है, बॉन्ड फिर से टूट रही है भाई। बॉन्ड क्लीवेज ये भी एक टाइप है, तो आप ये तो बात समझ गए होंगे, यह भी एक तरीके का बॉन्ड क्लीवेज है, यह भी एक तरीके का बॉन्ड क्लीवेज है। अब इस बॉन्ड क्लीवेज में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, किसी एक के पास, या तो ए कैटेगरी से इसके पास, या बी तरीका है एक आपके पास ऐसे, तो ए इसमें प्रोडक्ट बना लीजिए। अगर ए तरीका आप फॉलो करते हैं तो आपको ए प्लस बी माइनस बनेगा, ठीक। अगर आप तरीका बी फॉलो करते हैं, ये जो बी तरीका फॉलो करते हैं, इससे ए माइनस बी प्लस बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी तरीका फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माइनस जिसकी तरफ जाएगा, अगर इस बॉन्ड ब्रेकिंग में इसकी बात करें तो ए एटम क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इस तरीके से बॉन्ड टूट रही तो यहाँ पर जो बी एटम होगा, ये जो बी एटम है ठीक है, वह इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन सा, ये वाला, ये जो दो एटम है हमारे पास, ये जो गोला बनाए हमने, आप चेक करिएगा, ए और बी दो एटम्स के बीच बॉन्ड है। इसका एग्जांपल भी, अरे पीछे वाले के एग्जांपल को भी अभी सीख लेंगे। जैसे मान लीजिए एच और सी एल है, इसके बीच बॉन्ड टूटा, और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर एच प्लस सी एल माइनस बन गया, ठीक है, ये बॉन्ड पोलराइज हो गई। अब इसमें जो सी एल एटम था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ एंड गेट नेगेटिव चार्ज। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, साझा का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेना, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेना, पड़ोसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, ये जैसे ह्यूमन टेंडेंसी होती, वैसे ये एटम की टेंडेंसी है, साझे के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेना और बॉन्ड को पोलर कर देना, बॉन्ड को तोड़ देना, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आना। और जब साझे के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए है बेशक, तो अपने तो खींचे ही, पड़ोसी के भी खींच लिए, तो जो पड़ोसी जिसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया बेशक वो गरीब हो गया, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, साझे के इलेक्ट्रॉन उसी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगली बात, जैसे Cl और बॉन्ड Cl थी, दोनों सेम थे, तो यहाँ जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो डॉट में कन्वर्जन होगा, मीन्स ये बॉन्ड ऐसे टूटेगी कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस के माध्यम से रिएक्शन मैकेनिज्म को इनिशिएट करने का प्रयास किया है। आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, आशा करते हैं आप हमारे वीडियो पसंद करते होंगे। शेयर, लाइक और